महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां रोजाना लाखों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। इन लाखों भक्तों में से चंद भक्तों को ही बाबा की भस्मारती देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विश्व में एकमात्र महाकालेश्वर मंदिर है जहां भगवान शिव को भस्म से रमाया जाता है। भगवान शिव की शक्ति अलौकिक है और महाकाल में होने वाली भस्मारती उनकी अद्भुतता का प्रमाण देती है। उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के नाम से जानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्वयंभू है। विश्व में इसके अलावा कोई और मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान शिव की भस्म से आरती की जाती हो। महाकाल मंदिर में भक्तों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, लेकिन अलसुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने का मौका चंद सौभाग्यशाली भक्तों को ही मिलता है। अलसुबह भगवान शिव को भस्म में रमाया जाता है। भक्तों का यह मानना है कि उन्हें भस्म आरती में भगवान महाकाल ने साक्षात दर्शन दे दिए हो, ऐसा प्रतीत होता है। ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव को भस्म का लेपन किया जाता है, अर्थात भगवान शिव के ऊपर यहाँ प्रातः काल भस्म आरती में 5 मंत्रों से अभिमंत्रित होकर भस्म चढ़ाई जाती है। यह अनादिकाल की परंपरा है। महाकालेश्वर वन क्षेत्र जहाँ जब से यह परंपरा चली आ रही है, भगवान की जो भस्म बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर महाकाल मंदिर के ऊपरी भाग के अंदर अखंड धूना है, गाय के गोबर जो उबला होता है उसकी भस्म बनाई जाती है और वही भस्म भगवान महाकाल पर अभिमंत्रित कर अर्पण की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के लिए रोजाना विशेष तैयारियां की जाती है। मंदिर परिसर में ही एक विशेष यूनिट बनाई गई है जिसमें भस्म तैयार होती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव की भस्म आरती मुर्दे की भस्म से की जाती थी, लेकिन पंडितों की माने तो एक अखंड ज्योति है जो निरंतर जलती रहती है और उसी से भगवान की भस्म तैयार कर उनकी भस्म आरती की जाती है। शमशान चिता भस्म का हमारे शास्त्रों के अंदर महाकालेश्वर मंदिर के अंदर कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है कि चिता भस्म भगवान पे चढ़ती है, महाकाल पे चढ़ती है। इसलिए भगवान के यहाँ जो भस्म चढ़ती है वो गाय के उबले के कंडे की बनी हुई मंत्रों से ही भगवान को भस्म चढ़ा बनाई जाती है। यूं तो मंदिर में दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और प्रतिदिन होने वाली आरती में भक्त शामिल होते हैं, मगर भस्म आरती का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है कि वे दो दो दिन पहले से भस्म आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग करा लेते हैं। मनोज कुशवाहा, DG आना न्यूज, उज्जैन।